जिस रिया पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाली साजिश का शक है दोस्तों, उस रिया की बात दे सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो चल तो रहा है बड़ी तेजी से, पर इस मामले में उनके सिस्टर प्रियंका सिंह जी लगातार ट्वीट कर रही हैं और आज फिर उन्होंने सवाल उठा लिया और इस बार सवाल उन्होंने सीधा पूछ लिया है नीतीश राणे जी से। जी हाँ, राणे जी वही हैं जिन्होंने दावा करा था कि पेनड्राइव में उनके पास सबूत है। दिशा केस हो, सुशांत केस हो, कई बड़े दावे किए गए राणे परिवार की ओर से और पूरा परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, इसीलिए लोग उन पर विश्वास करते हैं। और आज कहा जा रहा है कि जब प्रियंका सिंह जी ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिख दिया कि राणे जी पेनड्राइव को पब्लिक कर दीजिए, तो अब सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या राणे जी सही में उस पेनड्राइव को पब्लिक करेंगे, क्योंकि राणे जी तो बहुत पहले बोल रहे थे ये बात कि हम इस पेनड्राइव को पब्लिश करेंगे, हम इस पेनड्राइव को सीबीआई को दे देंगे, इसमें बहुत सारे सबूत हैं और कई बड़े दावे किए गए राणे परिवार की। क्योंकि जो कुछ भी 8 रात को हुआ उसका और 13 तारीख का जो है वो डायरेक्ट लिंक है। 8 तारीख को दिशा सालियान को जहां एक पार्टी में बुलाया गया था, उधर उसके साथ कुछ गलत हुआ, वहां से निकलने के वक्त उसने सुशांत से बात की, उसको बताया कि क्या जो आपके पास सबूत है इस नेता के खिलाफ। पर आज तक कोई भी पेनड्राइव ना पब्लिश हुई ना ही सीबीआई के पास पहुंची। अगर सीबीआई के पास पहुंचती तो उसमें सबूत होते तो अभी तक केस का कोई निर्णय निकल गया था, पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं निकल के आया सीबीआई की ओर से भी। तो अब सवाल ये उठता है, जहां पर प्रियंका सिंह जी लगातार एक्टिव हैं, लगातार सवाल पूछ रही हैं, वहीं पर क्या वो लोग सो चुके हैं जो इस पूरे मामले में बड़े बड़े दावे करते थे। आपको बता दिया जाए, कोई सोया हो कोई जागा हो वो तो नहीं जानते, पर इस मामले में एक शख्स हैं सचिन नाम के, जिन्होंने नीचे कमेंट करके बताया था कि उन्होंने एक आरटीआई फाइल करती है और आरटीआई में उन्होंने पूछा है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है उन्होंने एसआईटी का गठन किया था दिशा केस में, वो एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है बताएंगे जरा। और वहां पर एक चीज दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है, शायद इनको 21 तारीख को रिप्लाई भी आया था, जहां पर लिखा गया है पार्टी समन्स फॉर हियरिंग्स, मतलब जो पार्टी है उनको हियरिंग के लिए समन कर दिया गया है। तो बस इतना ही इनको रिप्लाई मिला, इसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिशा केस में एसआईटी के गठन की बात की गई थी दिसंबर 2022 में और आज अप्रैल शुरू हो चुका है 2023, मतलब लगभग 4 महीने हो जाएंगे आने वाले 22-23 तारीख को जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, और उसी वक्त निकल के आए थे रूप कुमार शॉ जी, जिनके बयान को भी 4 महीने होने वाले हैं। सुशांत केस को लगभग 34 मंथ होने वाले हैं और रिया चक्रवर्ती भी वापसी कर चुकी हैं टीवी इंडस्ट्री में, जहां पर वो रोडीज में ऐसा गैंग लीडर लौट के आ चुकी हैं और ऐसा दावा हो रहा है कि रोडीज के ऑडिशन चल रहे हैं चंडीगढ़ में, जहां पर रिया चक्रवर्ती को ऐसा गैंग लीडर देखा गया है। और रिया चक्रवर्ती वहां पर खड़े होकर पता है क्या बोल रही है, वो बोलती है जिंदगी की मुश्किलों का क्रैश कोर्स तो मैंने किया ही है, मतलब वो अट्रैक्ट कर रही है ताकि लोग उनके गैंग में आए, और वो बता रही हैं कि जिंदगी की जो मुश्किलें हैं उसका क्रैश कोर्स जो मैंने कर ही रखा है, तो मतलब मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुमको सिखाऊंगी कि कैसे मुश्किलों से लड़ना है। अब वो क्या सिखाएंगी क्या नहीं सिखाएंगी इसका तो पता नहीं, पर कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो उनके ऊपर आरोप लगे थे क्या वो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उनके ऊपर आरोप क्यों लगे थे, उनकी वो चैट्स में ये बातें क्यों निकल के आ रही थी, 4 बूंद 3 बूंद वो कॉफ़ी में दो ये इसमें दो, इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या वो उस शो के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब वो कितनी मुश्किलों से निकल के आई है ये तो हम सब देख ही रहे हैं पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से जो चीज़ चल रही है, पर सवाल ये उठता है कि उनकी जो चैट्स बरामद हुई थी, जो हमने तो वायरल करी नहीं थी, जो न्यूज़ मीडिया ने वायरल करी थी, जो बड़ी बड़ी एजेंसी जाँच कर रही थी उसके अंदर से निकल के आई थी, क्या उसको एक्सप्लेन किया जाएगा शो के अंदर। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो न्यूज़ मीडिया जो रिया पर सवाल उठा रही थी वो इतने सवाल उठा रही थी, और रिया चक्रवर्ती आज जब वापसी कर रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि वापसी क्यों कर रही हैं। अब सवाल तो पूछने चाहिए तो उन लोगों से ना जिन्होंने सवाल उठाए थे रिया के ऊपर, अगर रिया गलत थी तो फिर उनके ऊपर इतने आरोप लगे तो आज वो आरोपों की जो लिस्ट थी वो कहाँ चली गई। अगर कोई आरोप सच नहीं थे तो फिर सवाल नहीं उठने चाहिए, अगर आरोप सच थे तो फिर आखिरकार एजेंसी क्या कर रही है ये कोई नहीं जानता। सवाल उठते रहेंगे, सवाल देश की जनता पूछती रहेगी, सुशांत के फैंस पूछते रहेंगे, क्योंकि इस मामले को 34 महीने हो चुके हैं। 34 महीने का मतलब जानते हैं, मतलब 36 महीने होते ही 3 साल पूरे हो जाएंगे, और कहां पर दावा होता था कि इस मामले का सच
बाहर आ जाएगा। सीबीआई इस मामले में आए तो उसके बाद तुरंत इस मामले का सच बाहर आएगा, पर सीबीआई के आने के बाद इंतजार ही किया जा रहा है कि इस मामले का फाइनल कंक्लूजन कब निकल के आएगा, कौन सच्चा कौन झूठा, किसने क्या किया, ये जानने के लिए आज भी लोग सीबीआई पे विश्वास करते हैं और सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। अब देखने वाला विषय है कि इस मामले का सच कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, तो कोई नहीं जानता। पर जिस तरीके से यहाँ पर अब प्रियंका सिंह जी सवाल पूछ रही हैं उन लोगों से जो इस मामले में बड़े दावे करते थे, क्या अब वो प्रियंका सिंह जी के सवालों के जवाब दे पाएंगे, क्या वो उस पेन ड्राइव को पब्लिश कर पाएंगे या सीबीआई को दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग दावे जो कर रहे थे वो महीने दो महीने तीन महीने बाद निकल के आते हैं, ट्वीट कर देते हैं धमाकेदार, और उसके बाद अचानक से दो तीन महीने के लिए गायब हो जाते हैं, फिर दो तीन महीने के बाद निकल के आते हैं, फिर ट्वीट करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। इसको न्याय दिलवाना नहीं, इसको राजनीति कहते हैं। अब आप राजनीति अगर जानते हैं अच्छे तो आप बताइएगा कमेंट्स में, वरना हम चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।